नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पानीपत नगर निगम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक सीएम फ्लाइंग करनाल की टीम ने पानीपत नगर निगम में अचानक रेड कर दी। करीब 6 से 7 गाड़ियों में पहुंचे 35 से 40 कर्मचारियों ने निगम के दोनों कार्यालय पर कार्यवाही की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते आज निगम के दोनों कार्यालय पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस दौरान ज्यादातर कर्मचारी रेड के दौरान अनुपस्थित मिले। डीएसपी ने बताया कि गैर हाजिर कर्मचारियों की एक रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी। इसके बाद टीम ने निगम अधिकारियों से प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, स्ट्रीट लाइट और अन्य कई विकास कार्यों का डेटा तलब किया। सुबह 9 बजे दोनों निगम कार्यालय में पहुंची टीम में से 20 कर्मचारी देवीलाल कॉम्प्लेक्स के बाहर बैठे और 20 ने पालिका बाजार निगम कार्यालय में डेरा डाला। टीम के सदस्यों ने दोनों कार्यालय के मेन गेट पर बैठकर हाजिरी चेक की। यहीं से निगम अधिकारियों को पूछताछ के बाद जाने दिया। इसके बाद आने जाने वालों का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करवाया। इस दौरान अपने काम को लेकर पहुंचे आम लोगों ने बताया कि वह कई कई महीनों के चक्कर काट रहे हैं, जिनमें से एक युवक से सीएम फ्लाइंग की टीम ने बातचीत की, जो पिछले 3 महीने से प्रॉपर्टी टैक्स के मामले को लेकर चक्कर काट रहा था। लेकिन पीएम प्लान की टीम ने युवक से बातचीत कर मौके पर ही उसकी समस्या का निवारण करवाया। बता दें कि पिछले 12 साल में नगर निगम पर सीएम फ्लाइंग करनाल की यह अब तक की सबसे बड़ी रेड है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की ये टीम है जो नगर निगम पानीपत से संबंधित जो शिकायतें आ रही थी कि भाई एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी और कस्टमर्स जो परेशान हो रहे हैं और मुलाजिम समय पे नहीं आ रहे हैं, इससे संबंधित आज जांच की गई है ताकि इनकी रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारी तक भेजी जा सके। क्या क्या निकला सर? अभी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। सुबह अटेंडेंस ली थी, कुछ अधिकारी नहीं आए हैं, जैसे एक्सीन साहब हैं अवेलेबल नहीं हैं, विदाउट लीव नहीं आए हुए हैं, नवीन कौशिक हैं और कुछ कर्मचारी भी हैं जो नहीं हैं, उनकी रिपोर्ट बनाकर हम भेजेंगे। कुछ कागज़ कब्जे मिले हैं जी, फाइलें वगैरह कुछ जांच के लिए? अभी सभी चीज़ें जो पेंडेंसी हैं, जैसे एनडीसी है या प्रॉपर्टी आईडी है, अगर कोई पेंडेंसी है तो उसके हिसाब से डेट वाइज डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और जैसे ही जाँच पूरी होती है मैं शाम को आपको दोबारा से एक बार बताऊँगा। पब्लिक से मिले सर आप? हमारी 2 टीमें बनी हुई हैं, एक जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें भी टीम गई हुई है जहाँ पे पब्लिक विंडोज़ हैं, यहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और पब्लिक से मिल रहे हैं। अभी पब्लिक से एक लड़का आया था जिसकी एनडीसी कोई मार्च से ड्यू थी, हुई नहीं थी, जिसको संबंधित अधिकारी को बुलाकर उससे एनडीसी अभी तुरंत करवा कर हमने उसे फारिग किया है। सर कब से कब तक की जाँच करेंगे आप? हम कोशिश करेंगे जहाँ भी एम्बिग्यूटी है, जितना भी पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी किस लिए है, क्यों है, उसका कारण क्यों है, उनको कोशिश करेंगे कि जितना भी पेंडिंग है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ दलाल भी सक्रिय हैं जी यहाँ पर, कई बार चीफ की चिट्ठी भी आई यहाँ पर, और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट्स आएंगे, रिसोर्सेज कुछ बताएंगे, सोर्सेज कुछ बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली जाँच करेंगे। वी आर ओपन फॉर द जाँच। क्या सिर्फ पेंडेंसी की जाँच हो रही है, किसी तरह के भ्रष्टाचार की यहाँ सामने आपके सामने शिकायत आई हो या जाँच आई हो उस विषय पर? लोगों को सहूलियत देने के लिए ताकि वो परेशान ना हो, और जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं कि भाई काम नहीं हो रहा है नगर निगम में, तो किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है, किस तरह से गवर्नेंस जो है अच्छा किया जा सकता है, उस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। अगर कोई अच्छे मेजर्स होंगे तो उनको अडॉप्ट किया जाएगा। एक महिला है सर, पिछले लगातार 1 महीने से धक्के खा लिया उतर रही थी, वही अफसर बार बार उन्हें बुलाते हैं, काम नहीं होकर दे रहा उनका, आज फिर उनको अभी मिलेंगे तो अभी उनका जो भी अगर जायज़ काम है तो अभी तुरंत करवा देंगे। सर किन किन अधिकारियों से रिकॉर्ड तलब किया गया है? अधिकारियों से अलग अलग रिकॉर्ड तलब नहीं होता है, अलग अलग जो विभाग बने हुए हैं इसके अंदर, उनसे सभी से डेटा लिया जाता है, एक एक डेटा वाइज, और ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगेगा। अभी आप जल्दबाजी करोगे तो हम आपको डेटा नहीं दे पाएंगे। कब से कब तक की टीम में जाए, तो शाम तक रहेंगे आप लोग? हो सकता है 3 दिन भी रहें, हो सकता है कि आज शाम को चले जाएँ, इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे को डेटा से क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है और हमारे क्या सजेशन हम दे पा रहे हैं, सुधारात्मक सजेशन जो है। कमिश्नर साहब से भी बात हुई आपकी, कुछ भ्रष्टाचार? हाँ, कमिश्नर साहब किसी काम से व्यस्त हैं, बाहर गए हुए हैं, और भ्रष्टाचार से संबंधित अभी हमारी कोई बातें ऐसी नहीं है, अगर जैसे जैसे इशू सामने आएंगे हम उसे करेंगे। मेयर कार्यालय में भी है सर टीम? दूसरी जगह, दूसरी बिल्डिंग में है हमारे पास, काम कर रहे हैं, वो भी अपना देख रहे हैं पब्लिक डीलिंग किस तरह से। वी आर अंडर वॉच कि
हम भी हैं और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। सर कितनी पुरानी शिकायतें हैं जो आपके पास आई है? देखो सीएम विंडोज़ की शिकायतें भी हैं, 2016 तक की भी शिकायत यहाँ पे है, पर उनका कि किस लिए पेंडिंग है, कारण क्या है, वो चीज़ें भी एक बार देखनी पड़ती हैं। सर सफाई को लेकर भी कुछ आप कर रहे हैं? बिल्कुल, जो चीज़ें आपके पत्राचारों के पत्रकारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं, उन सभी चीज़ों को अपने हमने लिस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुछ दलाल ऐसे सक्रिय हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो हम फंसे तो कई नेता भी हमारे पास, कई अधिकारी भी हमारे साथ फंसेंगे, उन पर शिकंजा ही नहीं कसा जा रहा? अभी फिलहाल इस जाँच से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप बात करें, अगर इससे रिलेटेड कुछ और आपने में पूछा है तो आप मेरे से पूछें, अदरवाइज मेरी तरफ से। अजीत सिंह, मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं करनाल रेंज में CID CM फ्लाइंग का चार्ज देखता हूँ। मेरे पास पानीपत, सोनीपत और करनाल तीन डिस्ट्रिक्ट हैं। श्रीमान जी, मेरा नाम जितेंद्र सैनी जी है, मैं दसवाड़े में रहता हूँ, सैनी कॉलोनी नाम है। मेरी फाइल यहाँ 31/3/2022 से पहले ऑनलाइन हुई है, जो कि काम कहीं चक्कर काटने पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा जो काम था, एक तो दुकान दिखा रखे मकान में और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स दिखा रखा है, जिसमें ये कम करवाने के लिए मैं यहाँ पर नगर निगम में चक्कर काट रहा हूँ। कुछ काम तो है लेकिन जो दुकान थी वो तो इन्होंने हटवा दी, जो मेरा प्रॉपर्टी टैक्स था वो ठीक नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं भी यहाँ उन्होंने नगर निगम ने यहाँ ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में भेजा है। यहाँ पर कम से कम आज भी 9 दिन हो गए, कुछ कार्रवाई नहीं चल रही थी। यहाँ पर ये सीएम क्या नाम इसका सीएम फ्लाइंग आ रहे थे, तो इन्होंने मेरे को देखा और बुलाया, भाई तेरा क्या काम है यहाँ पर, मगर मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तो मेरे इनके अनुसार तो मेरा काम हो गया 2 मिनट में, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है अगर सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ नहीं पहुँचती तो आपका काम आज भी नहीं होता? मेरा आज भी नहीं होता, कम एक हफ्ता और लग सका था, जितने दिन जो हाँ आज मेरा 5वां दिन है लगातार कंटिन्यू 5 दिन। क्या कोई पैसे वैसे की डिमांड भी की थी आपसे? नहीं, ना कोई पैसे की डिमांड नहीं करते, बस लेट सर्विस चल रही थी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।